नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, घर और किचन का काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर यही काम थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करते हैं तो हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। आज कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लाए हूँ जिससे आपका काम तो आसान होगा ही, साथ में बहुत सारी बचत भी होगी। चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो जान जरूर कीजिए, जो लाइक करते हो लाइक भी जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और आप हमारे वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आज की पहली। मौसम में ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, देखिए इसमें बिल्कुल काले पड़ गए हैं, जंग लग गए हैं। अगर आप इसका रेगुलर यूज नहीं करते ना तो बहुत ज़्यादा रखे रखे जो है इस पर जंग पड़ जाती है। दोस्तों आज मैं इसे कैसे चमका करके दिखाने वाली हूँ, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, नए जैसा लगेगा कि अभी अभी हम लोग इसे धार लगा के या फिर नया खरीद करके लाएँ। तो करना क्या है दोस्तों, चलिए बहुत ही आसान तरीका है, ना ही कुछ खर्चा करना है ना ही ज़्यादा मेहनत करना। हम लोग तो घर में आलू की सब्जियाँ रोज़ बनाते ही हैं, आलू छील करके ही बनाते हैं, बस वही करना। यहाँ पे हमने छिलका ले लिया है। अब देखिए दोस्तों सिर्फ एक छिलके की वजह से कैसे इसको क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा वाइट विनेगर सिरका। अब छिलके पे हमें इसे ले लेना है, देखिए इस तरीके से। ये देखिए हम इतने छिलके लिए हैं, अब इस पर इस तरीके से इंसर्ट कर लिए। अब देखिए दोस्तों कुछ नहीं, बस इस तरीके से हमें इसे रब करना है। आप लोग देखते जाइए बिल्कुल लाइव कैसे ये जो है हमारा चाकू क्लीन हो जाएगा बिल्कुल नए जैसा। दोनों तरफ से रब कर लीजिए, जितने भी चाकू छुरियाँ इस तरीके से अगर आपके गंदे पड़े हैं, जंग लग गए हैं ना, देखिए अब जंग लगना, जंग जो है ना छूटना शुरू हो गया। तो इस तरीके से एक आलू के छिलके काफ़ी होते हैं, देखिए हमें इस तरीके से इसे साफ करते जाना। तो दोस्तों ये देखिए मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसे रब किया है। अगर आपके आलू के छिलके से नहीं बन रहा है करने में तो आप यहाँ पे इस तरीके से छोटे से आलू के टुकड़े ले लीजिए, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कुरेद लेना है, इसके ऊपर जो है ना विनेगर लेकर के हमें इसे रब करना। अगर आप इस तरीके से करते हो तो ज़्यादा बेटर लगता है आपको करने में, जितनी भी जंग है बैक्टीरिया फ्री हो जाती है। तो फाइनली देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है, ये तो लोहे के हैं इसलिए काले तो दिखेंगे ही। देखिए इस तरीके से आप अपने चाकुओं को अच्छे से जर्म फ्री और क्लीन कर सकते हो, है ना, ये कमाल का आइडिया। होप करती हूँ ट्रिक पसंद आई हो। तो मेरी अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स वो है इस तरीके से, देखिए ये प्लास्टिक जो होते हैं ना, ये है मेरे पास जो इसके, देखिए इसके प्लास्टिक जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं। अब इसका जो है ना ये ख़त्म हो चुका है, मखाने के प्लास्टिक हैं, तो इसे फेंकने के बजाय मैं इसका बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ जो कि आप लोग को पसंद भी आएगा। तो एक बार ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से कट किया था, तो हमें इसे इस तरीके से गोल कट कर लेना, ठीक है। तो चलिए पहले इसे हम कट कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। ये देखिए एक बार अगर आप बना लेंगे ना तो आपको मन नहीं होगा कभी भी इस तरीके से प्लास्टिक को फेंकने का। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे बना लिया है, काट लिया है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। आप चाहे तो अंदर की ओर भी कर सकते हो, तो चलिए मैं इसे बाहर की ओर फोल्ड करती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से, दोस्तों इस तरीके से देखिए हमने इसे फोल्ड लगा दिया। अभी देखिए ऐसे खड़ा नहीं हो रहा ना, इसके लिए हमें इसे बेस देना होगा। दोस्तों इसी के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए हमें इसके कोने को पकड़ कर ना अंदर की ओर खींच लेना है थोड़ा सा, बस इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे खींच लेना है थोड़ा सा। तरीके से इसे आप एक और फोल्ड करके बैठा देंगे ना तो बिल्कुल भी ये निकलेगा नहीं। इसी तरीके से हमें इधर भी करनी है। तो देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया, यानी कि इसे आप किसी भी चीज़ को सामानों को ऑर्गेनाइज करके रखने में इसका यूज कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें किसी भी चीज़ को आप रखते हो ना ऑर्गेनाइज करके तो घर भी आपका ऑर्गेनाइज लगेगा। तो चलिए मैं इसमें क्या रखने वाली हूँ दोस्तों, इस तरह के पैकेट जो है हमारे घर में आते रहते हैं खाने पीने की चीज़ों को लेकर के, कुछ मसाले के पैकेट हो गए, मैगी हो गए, चिप्स हो गए, इस तरीके के भुजिया वगैरह हो गए। तो इसे अगर आप ऐसे ही प्लास्टिक में भर के रखते हो ना तो ये जो जगह भी लगती है को दिखता भी नहीं है और ये इधर उधर फैला भी लगता है। आप इस तरीके से बना लीजिए, इसमें इस तरीके से आप सजा के रख दीजिए, ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और आपका घर भी ऑर्गेनाइज लगेगा।
देखिए छोटे छोटे पैकेट कभी मिलते नहीं हैं, तो आप इस तरीके से अगर ऑर्गेनाइज करके कहीं भी अलमारी वगैरह में रखते हो ना, आपको बहुत ही आराम से दिखता भी है और ये देखने में भी खूबसूरत लगता है ना, ये कमाल के आइडिया। तो इस तरीके से बहुत सारे जितने पैकेट हैं ना, आटे के थैले वाले पैकेट को भी आप बना सकते हो और अपने घर को ऑर्गेनाइज छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो होप करती हूँ आइडिया पसंद है, पसंद है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों मेरी आज की जो अगली टिप्स है फ्रेंड्स वो है इस तरीके से, देखिए ज्वेलरी पर्स रिलेटेड। अगर आपके पास ये ज्वेलरी पर्स है ना, तो इसे बिल्कुल भी फेंकने की गलती मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये काम के होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप इसका यूज कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए आज जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, वो आपको बहुत सारे जो है ना दिक्कतों को कम कर देगा, बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म कर देगी। यहाँ पर देखिए मैंने लिया है डबल साइडेड टेप, अब हमें इस तरीके से इस पर लगा देना है। ये देखिए अच्छे से प्रेस करके लगा दीजिए। अब चलिए दोस्तों इसका यूज कहाँ पे करना है, दोस्तों मैं इसका यूज करूँगी अपने बेडरूम में। इस तरीके से देखिए हमें बेडरूम में आ जाना है, अब बेड के जो साइड है ना, साइड वाले एरिया में हमें इसे लगा देना है। आप चाहे तो सामने भी लगा सकते हो, लेकिन साइड में लगाने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, ये लोगों के नज़रों से भी बचा रहता है, इसमें हमारे सामान भी जो है सेफ़ रहेगी। इस तरीके से देखिए नीचे की ओर लगा देना है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने कुछ लगा के रखा है। अब इसका यूज कैसे करना है दोस्तों, जैसे कि रात में सोते हैं ना, तो कुछ लोगों को चेन वगैरह ज्वेलरी वगैरह जो है ना खोल करके रखने की आदत होती है, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं होता है रिलैक्स होने के, सोने की आदत होती है। इस तरीके से देखिए आप बेड के साइड में इसे लगा के रख दीजिए, बहुत ही आसान है इसे बनाना। अब इसमें आप रख के सो जाइए, जब चाहे मन हुआ याद आया जब पहन लीजिए, लोगों के नज़रों से ये बचा रहता है, हमारा सामान भी सेफ रहता है। अगर आप बेड पे रख के सोते हो ना, तो क्या होता है बेड झाड़ने में गलती से भूल जाते हैं, सुबह उठाना भूल गए तो ये झाड़ने के साथ साथ जो है गुम भी हो सकती है। अब इसमें इस तरीके से पड़े हैं, जब चाहे मन हुआ निकाल लीजिए और हमारा सामान भी पता होता है कि कहाँ सेफली रखे हुए। तो होप करती हूँ आइडिया पसंद है, पसंद है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी आज की जो अगली टिप्स है फ्रेंड्स वो है, देखिए इस तरीके से मैंने एक बॉटल ले लिया है, कोई भी पुराने बॉटल पड़े हैं ना आप उसका यूज कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों इसका यूज मैं कैसे करने वाली, बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो, बहुत सारे पैसों की बचत भी होती है, और ये हमारा बेकार जो पड़ा होता है ना बॉटल, इसका यूज भी हो जाता है। तो चलिए आज जो मैं यूज बता रही हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पर देखिए हमने बॉटल को इस तरीके से जो है ना लेबल हटा दिया है, अब इसके बीच से हमें कट करनी है। इस तरीके से देखिए चाकू की हेल्प से एक और गर्म कीजिए, बड़े ही आराम से इसे कट कर सकते हो। सिर्फ बीच में ही कट लगाना है, बाकी एरिया को हमें छोड़ देना। ये देखिए हमारा कट लग गया है, अब ये हमारा बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइजर बनके तैयार है। तो चलिए दोस्तों इसका यूज कैसे करना है। दोस्तों क्या होता है ना, अभी जो है ना महंगाइयों का सीजन चल रहा है, पहले टमाटर महंगे हुए थे, अब जो है ना प्याज महंगे हो गए, उसी तरीके से धीरे धीरे करके लहसुन भी महंगा होने लगे। तो क्या होता है, आप चाहे तो इस तरीके से ला करके इसे स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी साल भर छः महीने तक आपके जो है ना लहसुन ख़राब नहीं होगी। आई जो है ना बॉटल इधर उधर ऐसे ही पड़े चलते हैं, आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए, अलग से आपको चीज़ें भी नहीं लेनी पड़ेगी और इसमें ख़राब भी नहीं होते हैं। इतने भी इसमें देखिए लगभग आधे किलो से भी ज़्यादा लहसुन आ जाता है, और ये बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार, कहीं भी साइड के कोने में रख दीजिए, आपका ये पड़ा रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो देखिए तो है ना एक कमाल के आइडिया, इस तरीके से आप अपने घर की बचत भी कर सकते हो और इसको यूज भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए इसमें बहुत सारे लहसुन आ जाते हैं एक बार में, और ये देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और ये है ना एक कमाल के आइडिया, इस तरीके से रख दी, इसमें बीच में हवा भी पास होती रहती है और ये बहुत दिनों तक सेफ भी रहता है। तो आप चाहे तो इसमें और भी होल कर सकते हो ताकि अच्छे से इसमें हवा पास हो सके, लेकिन फिलहाल इतना जो है ना इसके जो हवा के लिए काफ़ी ज़्यादा है। अब इसे रख दीजिए कहीं भी एक कोने में खड़ा करके, ये आपका लहसुन भी कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो है ना ये कमाल का आइडिया, कैसा लगा जरूर बताइएगा। होप करती हूँ ट्रिक पसंद है, पसंद है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्वाइन भी जरूर कीजिएगा।